अर्जुन के पापा ने की अपराजिता अम्मा के बीच में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल अपराजिता के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अर्जुन जो है अपराजिता के घर में रहने के लिए आता है, जिस पर अपराजिता अर्जुन का स्वागत करने के लिए आरती की थाली तैयार करती है। तभी अम्मा आकर अपराजिता को रोकने की कोशिश करती है कि तू ये सब सही नहीं कर रही है और हमें घर में अर्जुन को रखना सही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अर्जुन की शादी किसके साथ हुई है, दिशा या फिर निया के। जिसके बाद अपराजिता अपने मन में सोचती है कि आखिरकार अम्मा ऐसे बात क्यों कर रही है। दरअसल अर्जुन के पापा ने जो है अम्मा को कॉल करके कहा था कि आप उस घर की बड़ी है और आप ही को उस घर के फैसले लेने चाहिए, लेकिन अपराजिता आपकी बात ना मानकर अपनी बातें आपसे मनवा रही है। दरअसल अर्जुन के पापा अपराजिता अम्मा के बीच में गलत फहमी की दीवार पैदा कर रहे हैं, ताकि अम्मा अपराजिता के खिलाफ होकर अर्जुन की विदाई निया के साथ करा दे। और अर्जुन के पापा ने मोहिनी के साथ भी हाथ मिला लिया है। मोहिनी अर्जुन के पापा को यहाँ तक कहती है, जो काम मैं नहीं कर सकी वो आपने कर दिया और हमें 15 दिनों के अंदर अपराजिता को इतना कमजोर बना देना है कि वो अपने घर परिवार को बचा ही न सके। उसके बाद अर्जुन के घर में आने पर अपराजिता निया दिशा की आंखों पर और अर्जुन की आंखों पर पट्टी बांध देती है, जिसमें वो उससे पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारे बराबर में निया कहाँ पर है और दिशा किधर है। जिस पर अर्जुन कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी अपराजिता अर्जुन को कहती है कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि तुम्हारी शादी किससे हुई है, तब तक तुम यहाँ पर अर्जुन बनकर रहोगे। जिस पर तीनों के तीनों अपराजिता को ये यकीन दिला देते हैं। उसके बाद अपराजिता अक्सर जो काम करता है उस काम को करने की कोशिश करती है, ताकि अपराजिता को कुछ मदद मिल सके। तभी अपराजिता के पास अर्जुन आकर बताता है कि नीचे एक आदमी आया है जो कि मिलना चाहता है। वो अपराजिता को सबूत देने के लिए कहता है, लेकिन उसके बदले में कुछ पैसे मांगता है, जिस पर अपराजिता कहती है अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जब होंगे तब हम दे देंगे। जिसके बाद वो अपराजिता को सबूत देकर चला जाता है, जहाँ पर उस सबूत को देखने के बाद अपराजिता को पता चलता है कि अर्जुन के फेरे दिशा के साथ हुए हैं, क्योंकि फेरों के वक्त दिशा का लहंगा फट गया था जिसे अपराजिता ने खुद अपने हाथों से सिला था। लेकिन वहीं पर अम्मा आकर कहती है कि इससे कुछ भी साबित नहीं होता, जब हमें इस बात पर यकीन नहीं है तो हम अर्जुन के पापा को इस बात का यकीन कैसे दिलाएंगे। तो अब देखना ये होगा अपराजिता इन सभी मुसीबतों का सामना कैसे करेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।